अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे हैं आप सब? तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं जा रहा हूँ फैसलाबाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए। अल्टास है 21 मॉडल की, और इसकी जो है ना वीडियो बनाऊँगा। फिर टोयोटा वाले ने इजाज़त दे दी, तो चले दिखाते हैं। फिर टोयोटा जाएंगे हम फैसलाबाद। तो ये गाड़ी है जी, वॉक अराउंड थोड़ा सा मैं दे देता हूँ आपको। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे और इसका रिव्यू भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। ऑनर रिव्यू जो है सालों तक गए रहे। स्टेशन के सर बाइक में अभी आते हैं, आपको बता देते हैं। बाइक के साथ पंजाब के इस्लामाबाद के जितने से। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ पता करते हैं दोनों के, इस्लामाबाद के और पंजाब के। क्या नहीं फिलहाल टैकल लगवाने ट्रैकर की क्या है फीस? क्या तो के एक साल का या साल के लिए होता है, मतलब आपको ओनर होता है। सही है, तो होता है साल के बाद जो आपने। नहीं तो उसके बाद साल के बाद कितनी 25 लगेगी या नहीं? उसमें तकरीबन 7,000 तो वो सारा अगर कहते भी गाड़ी अगर धनी चोरी होती तो तुम सारी पेमेंट टोयोटा करेगा। बाकी तुझे कड़ा भी कर नहीं आया उदन दिन जा के अरे तक 1,000 नहीं चलाई नहीं।, नहीं अभी नहीं। चलिए फिर ठीक है जी, आप नहीं कोई और बंदा लेके जा रहा आपको लोकेशन महंगी गाड़ी है उसके 25,000 से अगर आप सेफ हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल से ये कुछ ज़्यादा अमाउंट है। बाकी आपके फायदे के लिए हमें मैसेज आने मोबाइल से आने एप्लीकेशन से आने नहीं बस ठीक नहीं। अगर मैं बुक करवा के इधर ही सेल करता हूँ तो उसका क्या? इसमें तो ये इंटरनेशनल के लिए 30-70 वाला फार्मूला आता है कि 30% आपका जो ऑन होता है वो आप दोनों सबको देते 70% आपका। ऑन क्या है ग्रैंडी का? ग्रैंडी पे तो कितनी देर में? एक मंथ में हो जाती है सेल? बकरा नहीं फिर ना होगा तो बाहर सेल कर देंगे, मसला तो कोई नहीं होगा। नहीं तो उसका क्या सीन होता है? डॉक्यूमेंट आप दे देते हैं गाड़ी इधर खड़ी रहती है? क्या कह रहे हैं
मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी गाड़ी आ जाती है, मतलब सेल नहीं होती थोड़े दिन, उसका ये सीन है कि डॉक्यूमेंट सेल नहीं करना चाहता। नहीं, गाड़ी मेरी इधर खड़ी रहेगी या डॉक्यूमेंट भी इधर पड़े रहेंगे, क्या सीन होगा? अच्छा, गाड़ी सेल हमारे पास क्या चीज़ होगी, मतलब बुकिंग का? हाँ ये तो है, हमारे नाम से बुकिंग हुई होगी। सही है, सही है। तो ये जी हम ऊपर आ चुके हैं जहाँ गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए पेमेंट जमा होती है, तो इधर पेमेंट करेंगे और इन्हें बताएंगे रजिस्ट्रेशन कहाँ की करवानी है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਅਲਟਸ 1.6 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਾ। आपको दे दिया अभी थी। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करवाने के बाद हम इधर आए हुए हैं कि हमें प्लेटफार्म के दो और स्टिकर मिल जाएं जो नंबर प्लेट की जगह लगे होते हैं। ਜਿਸ ਦਿਨ 1000 ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਵਾ ਲੈ। ਆਹੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। तो मैंने कहा फैसलाबाद तो आए हुए थे, चलो इसके दो छोटे मोटे काम करवा लेते हैं जाते जाते। तो इसका ये स्टीयरिंग स्टिच करवा रहे हैं और पैनलों के ऊपर और प्लास्टिक पट्टियों के ऊपर पेपर लगवाएंगे कि स्क्रैचेस वगैरह ना लगे।
तो ये जी इसका ये काम करवाया था, एक तो लेदर स्टिच करवाया था स्टीयरिंग, और ये पैनलों के ऊपर पेपर लगवाया हुआ है और प्लास्टिक पट्टियों के ऊपर पेपर लगवाया है। तो चलें देखें बताएं कैसा लग रहा है आप फिर। तो अभी हम फिर जा रहे हैं वापस समुंदरी की तरफ, और रास्ते में कोई थोड़ा बहुत व्यू दिखाएंगे आज की इतनी वीडियो है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी, तो चलें इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।